नमस्कार दोस्तों, दिवाली के शुभ अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाला वर्ष आपके लिए बहुत शुभ हो, मंगलमय हो और आपकी सभी मनोकामनाएं आने वाले साल में पूरी हों। तो दोस्तों, आज दिवाली के शुभ अवसर के ऊपर इस वीडियो में मैं एक अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ, जो कि इस वीडियो के लास्ट में आपको मैं बताऊँगा वो अनाउंसमेंट क्या है। और वो आप सभी की रिक्वेस्ट के ऊपर, आप सभी के अनुरोध के ऊपर मैं आपकी जो रिक्वेस्ट थी उसको पूरा करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं और आपको स्टॉक मार्केट में अगर नुकसान हो रहा है तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब की ऑप्शन इस समय आपकी स्क्रीन पर विजिबल है, नीचे दिखाए गए सब्सक्राइब बटन को भी दबा सकते हैं। उसके साथ दिखाए गए बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करना ना भूलें, उससे आप सभी वीडियोस सबसे पहले देख पाएंगे। तो दोस्तों, यहां मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि आपको स्टॉक मार्केट में नुकसान क्यों होता है। तो दोस्तों, यहां सबसे बड़ी जो वजह होती है वो होता है डर। हम डर की वजह से स्टॉक मार्केट में पैसा लूज करते हैं और वो डर इसलिए होता है क्योंकि हमें स्टॉक मार्केट का पूरा ज्ञान नहीं होता। अगर हमें स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना है तो हमें इस डर के ऊपर बढ़ना होगा। और जैसा कि एक ऐड में भी कहा जाता है कि डर के आगे जीत है। पर उससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक बातें बताना चाहूँगा कि यहाँ पे चार तरह के बिजनेस होते हैं दोस्तों। जो पहला बिजनेस होता है वो होता है नीड बेस्ड। नीड बेस्ड ये होता है कि जहाँ पे आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स पूरी की जाती हैं। अब मैं आपको बिजनेस के बारे में क्यों बता रहा हूँ, ये थोड़ा सा आगे आपको मालूम हो जाएगा इस वीडियो में। तो नीड बेस में आता है, जैसे कहते हैं कि रोटी कपड़ा और मकान जो है वो आदमी की बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो ये नीड बेस बिजनेसेस जो होते हैं वो अपने आप चलते हैं और लोग उन बिजनेसेस को रन करने में अपने आप मदद करते हैं क्योंकि वो आपकी बेसिक नीड को फुलफिल कर रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ जो दूसरे तरह के बिजनेस होते हैं वो होते हैं डिज़ायर। डिज़ायर ये होती है कि भाई आपकी नीड तो पूरी होगी। मान लीजिए आपकी नीड है 2 BHK का घर, अब आप डिज़ायर करेंगे कि भाई मेरे पास शायद 3 BHK का घर हो जाए या 4 BHK का घर हो जाए, तो उसको कहते हैं डिज़ायर। तो अगर नीड है, जैसे अगर एक गाड़ी होनी चाहिए वो एक नीड है, लेकिन जिसको कह लीजिए कि एक बड़ी गाड़ी होनी चाहिए वो आपकी एक डिज़ायर होती है। तो दोस्तों, अब तीसरे तरह का जो बिजनेस होता है वो होता है आपका लग्जरी बेस, जिसके अंदर लग्जरी जिसको कहते हैं। तो लग्जरी होती है कि भैया आपकी नीड भी पूरी होगी, आपकी डिज़ायर भी पूरी होगी। अब लग्जरी के लिए मुझे घर जो है एक पर्टिकुलर प्राइम लोकेशन पे चाहिए, तो वो मेरी लग्जरी हो गई। उसी तरीके से अगर मैं गाड़ी है मेरे पास, लंबी गाड़ी भी है, लेकिन मेरे को अब एक प्रीमियम गाड़ी चाहिए, एक लग्जरी गाड़ी चाहिए, तो वो आपकी लग्जरी होगी। तो दोस्तों, यहाँ अब चौथे नंबर का जो मोस्टली बिजनेस होता है वो होता है फियर बेस। तो फियर बेस बिजनेस में क्या होता है कि वहाँ पे आपको डर दिखाया जाता है अपना बिजनेस चलाने के लिए। तो यहाँ पे दोस्तों, आप मुझे गलत मत लीजिएगा, लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जो सबसे बेस्ट बिजनेस होता है वो होता है फियर बेस, क्योंकि वहाँ पे इंसान जो है वो नापतोल नहीं करता, भाव नहीं पूछता। जहाँ पे आपको डर दिखाया जाता है वहाँ पे आप बिना सोचे समझे भी कई बार उस प्रोडक्ट को, उस सर्विस को खरीद लेते हैं। तो यहाँ पे जो मेरे दिमाग में आता है वो है जैसे एजुकेशन। वहाँ पे हमें डर होता है कि अगर हमने एजुकेशन नहीं ली अच्छी तो हमारा फ्यूचर में क्या होगा। एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, इंश्योरेंस, तो ये कुछ बिजनेसेस हैं जो कि फियर के ऊपर चलते हैं। और उसके अंदर स्टॉक मार्केट के अंदर भी जो काफ़ी तरह के बिजनेसेस होते हैं वो फियर बेस्ड ही होते हैं, क्योंकि वहाँ आपको डर दिखाया जाता है कि अगर आप ये सर्विस नहीं लेंगे, ये प्रोडक्ट नहीं लेंगे, तो आपको नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों, कुछ लोग जो है इस डर का, जो इन्वेस्टर या ट्रेडर के माइंड में डर होता है, उसका मिसयूज़ करते हैं आपको कुछ तरह के प्रोडक्ट्स या सर्विस बेचने के लिए। तो ताकि आपको ये लगे कि हम अगर ये प्रोडक्ट या सर्विस लेंगे तो हमारा वो डर निकल जाएगा कि हमें नुकसान भी हो सकता है स्टॉक मार्केट में। तो दोस्तों, ये इसके ऊपर मैं काफ़ी वीडियोस पहले बना चुका हूँ, जिसके अंदर मैंने आपको काफ़ी कॉशन किया हुआ है इन सब प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के बारे में। पर इस सब का इस वीडियो से क्या संबंध है वो मैं आपको और थोड़ा आगे चल के बताऊँगा। तो दोस्तों, यहाँ इस डर को ख़त्म करने के लिए हमें जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट है उसको सीखना पड़ेगा, और वो हमें खुद ही सीखना पड़ेगा। उससे क्या है कि हमारा जो ये डर है वो ख़त्म हो जाएगा, नुकसान होने का, स्टॉक मार्केट में निवेश का जो डर है वो ख़त्म हो जाएगा। और इस डर को ख़त्म करने के लिए दोस्तों सिर्फ नॉलेज और ज्ञान ही आपकी सहायता कर सकता है, और कोई आपकी सहायता नहीं कर सकता इस डर को
ख़त्म करने के लिए। तो यहाँ पे आपको ज्ञान का सहारा लेना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा। अगर आप शॉर्टकट चाहते हैं, कि कई बार हमें लगता है कि नहीं नहीं हमें ये मेहनत नहीं करनी, हमें कोई बस बता दे कि कैसे हमें ये बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से हमें ये जो निवेश है या ये जो ट्रेड है ये हमें करना है। पर दोस्तों यहाँ पे मैं आपको साफ शब्दों में कहना चाहूँगा कि स्टॉक मार्केट में सक्सेस के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता। आप किसी भी स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट को कुछ दिनों के अंदर नहीं सीख सकते। कुछ लोग दावा करते हैं कि हम आपको 2 दिन में सिखा देंगे, 5 दिन में सिखा देंगे, ये संभव नहीं है। स्टॉक मार्केट में जो लर्निंग है दोस्तों वो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, वो आपको कॉन्टिन्यूस बेसिस पे कुछ ना कुछ लर्निंग मिलती रहेगी स्टॉक मार्केट में, और उसके हिसाब से आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा, आपको अपने आप को उसी परिस्थिति के हिसाब से ढालना पड़ेगा, आपको अपने एनालिसिस में बदलाव करने पड़ेंगे, आपको अपने ट्रेडिंग स्टाइल में बदलाव करने पड़ेंगे। ये सब चीज़ें आपको कोई नहीं सिखा सकता, ये आप ऑनगोइंग बेसिस पे ही सीख सकते हैं। तो दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि भाई इसको सीखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो इसको सीखने के लिए दोस्तों आपको मार्केट का जो बिहेवियर है उसको समझना पड़ेगा कि मार्केट बिहेव कैसे करती है। दोस्तों यहाँ मैं आपको एक चीज़ बिल्कुल क्लियर बताता हूँ कि मार्केट कभी भी सेम बिहेव नहीं करती जैसा कि आपको बताया जाता है। जैसे ह्यूमन बिहेवियर है वो भी चेंज होता रहता है परिस्थिति के हिसाब से। मैं आज से 10 साल पहले कैसे बिहेव करता था, 5 साल पहले कैसे करता था, आज कैसे करता हूँ, ये सब अलग है। उसी तरीके से मार्केट पहले कैसे बिहेव करती थी, आज कैसे बिहेव कर रही है, कल कैसे बिहेव करेगी, वो बिल्कुल अलग होगा, क्योंकि मार्केट जिन परिस्थितियों में ऑपरेट कर रही है वो बदल रही है बहुत तेज़ी से। तो दोस्तों यही मार्केट बिहेवियर को कैसे समझा जाए, यहाँ पे कैसे हम मुनाफा कमा सकते हैं, यहाँ पे हम कैसे इस डर को जीत सकते हैं, जैसा कि मैंने कहा डर के आगे जीत है, तो यही सब सिखाने के लिए मैं आप लोगों की रिक्वेस्ट के ऊपर एक फ्री लर्निंग प्रोग्राम लॉन्च करने जा रहा हूँ कुछ हफ्तों के अंदर। तो आज क्योंकि दिवाली का शुभ अवसर था तो मैंने सोचा कि आज ये एक बहुत बढ़िया दिन है इसको अनाउंस करने का। तो काफ़ी दर्शकों ने मुझसे इसके बारे में रिक्वेस्ट की थी, तो ये बिल्कुल फ्री होगा, इसका कोई भी चार्ज नहीं होगा, और यहाँ पे जो भी दर्शक हैं वो मेरे साथ 1-to-1 सीख सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसे अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पे ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, ताकि वो भी इस जानकारी का लाभ उठा सकें। तो दोस्तों मैं कुछ हफ्तों के अंदर इस प्रोग्राम के बारे में और डिटेल्स अपलोड करूंगा। अगर आपका इस प्रोग्राम के बारे में कोई सुझाव है तो आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।